फुल वॉल्यूम के लंच बॉक्स सेगमेंट में आज आपका स्वागत है। और आज मैं ममता मेहरोत्रा आपको बनाना बता रही हूँ पनीर प्याजी। ये पनीर प्याजी एक बहुत ही सरल डिश है जिसको आप तुरंत बना सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी पता चले कि आपके मेहमान तुरंत आने वाले हैं तो ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट में ये रेसिपी आपके लिए तैयार हो जाएगी। आप भी खाइए और इस लजीज व्यंजन का स्वाद जो है वो आप अपने मेहमानों को भी दीजिए। पनीर प्याजी आपके पास प्रस्तुत है। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए प्याज, टमाटर, आपको चाहिए मिर्ची, लहसुन। ये आपको बेसिक इंग्रेडिएंट में चाहिए पीसने के लिए। उसके बाद हम सिर्फ जीरा, मिर्चा, हल्दी और गरम मसाला का इस्तेमाल करेंगे। तो हम आपको पनीर प्याजी बनाने की रेसिपी की तरफ ले चलते हैं। हम आपको 1 किलो दूध की रेसिपी बना रहे हैं क्योंकि पनीर मैं घर में फाड़ती हूँ। ऐसे आप मार्केट में बहुत सारे पनीर अवेलेबल हैं, आप उनको भी मंगा सकते हैं, बट अगर उसमें आपको दिक्कत लगे तो आप 1 किलो दूध घर में लीजिए जो आपके पास बचा हुआ है। और 1 किलो दूध के बाद ये पनीर का पानी है। जब हर बार मैं पनीर फाड़ती हूँ तो इसी पानी से फाड़ती हूँ। अगर ये पानी आपको नहीं मिले तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं पनीर को फाड़ने के लिए। तो पहले हम लोग दूध को थोड़ा खौल जाने देंगे और जब दूध खौल जाएगा तो हम लोग ये वाला पानी डाल के इसको दूध को फाड़ के इससे पनीर की तैयारी कर लेंगे। ये मैंने पहले से 1 किलो दूध का पनीर फाड़ के रखा है जो आपके सामने है। तब तक हम आपको इसको फाड़ने की रेसिपी बता रहे हैं। जब तक हमारा दूध खौल रहा है तब तक हम बिना कोई भी तेल लिए हुए लहसुन और हरा मिर्चा को महीन महीन काट के और लहसुन की गोटी को मोटा मोटा काट के हम हल्का सा भून लेते हैं। प्रिपरेशन है आपका। अगर आप चाहें तो आप ये प्याज और टमाटर इसको भी जो है आप इसी के साथ भून सकते हैं, बट इसके अलावा मैं अभी इसको गैस के ऊपर भून के तब मैं पीसूंगी। और अगर आपके पास चारकोल कोल है तो आप उसका भी इस्तेमाल करके आप इसको भून सकते हैं। उससे स्वाद में थोड़ा सा एक अजीब सा लोकल जो सोधापन जिसको कहते हैं वो आ जाता है आपके इसमें। तो अभी हमारा ये भून रहा है और इधर हमारा दूध भी गर्म हो रहा है। दूध खोलने को है। देखिए पनीर आ गया इसमें। अब इसको जो है छान के हम पनीर की तरह से इकट्ठा कर लेंगे। आप टमाटर अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो टमाटर बहुत उनको जो टमाटर बहुत पसंद होता है, तो टमाटर आप 1 किलो पनीर में इसमें 2 टमाटर और बढ़ा सकते हैं, मतलब करीब आधा किलो के आसपास आप टमाटर अच्छे से ले सकते हैं अगर आपको उसका स्वाद पसंद है। नहीं तो 3 टमाटर हमारे इसके लिए सफिशेंट हैं। अब हमारे पास सब कुछ भुना हुआ टमाटर और ये प्याज तैयार हो गया है। अब हमें जो इसको मिर्चा और लहसुन को भी भुना था वो भी हम अपना निकाल लेंगे। ये जितना भी हमारा इंग्रेडिएंट है जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट है अब वो तैयार हो गया है। इसको हम मिक्सी में पीस ले रहे हैं। ये आपका पेस्ट तैयार है। इस पेस्ट को आप सीधे कढ़ाई में डाल दीजिए। इसमें देशी घी का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम लोग कड़वा तेल से भी अगर इसको बनाते हैं तो हमारा अच्छे से रेसिपी तैयार हो जाएगी। आपका जैसे ही तेल गर्म होता है घी, हमने इसमें जीरा डाला, हल्दी डाली और लाल मिर्ची डाली। बहुत थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को हल्का सा भून जाने देते हैं। अब हमारे पास जो तैयार प्रिपरेशन है उसको हम लोग डाल के धीमी आंच पे इसको भूनते हैं। इसको हम लोग तब तक भूनते रहेंगे जब तक इसका रेड फ्लेवर कलर नहीं छोड़ देता है।
थोड़ा सा पानी इस बीच में हम लोग और डाल देंगे और इसको हम लोग धीमी आंच पे भूनते रहेंगे। भूनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग इसको अच्छे से भूनेंगे नहीं तो लहसुन और प्याज का जो कच्चापन है वो कहीं ना कहीं पीछे से हम लोग को फ्लेवर में आएगा। इसे इसका भूनना बहुत आवश्यक है। आप देख रहे हैं लाल रंगत छोड़ रहा है, जितनी लाल रंगत आती है उतना ही अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होता है। अगर चाहें तो आप इसको 2 मिनट के लिए ढक भी सकते हैं, उसको भी हम लोग पानी को भून लेते हैं नहीं तो पानी में फिर कच्चापन आ जाएगा। इस पानी को तब तक हम लोग सूखने देते हैं जब तक कि उसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है। तब तक हम लोग इधर तैयारी कर लेंगे कि हम लोग के पास जो पनीर फाड़ा हुआ था उसको हम लोग क्यूब फॉर्म में कर लेंगे। ये क्यूब डिपेंड करता है कि हम लोग कितने बड़े क्यूब्स इसमें डालना चाहते हैं। हम लोग चाहें तो बड़े पीसेस भी डाल सकते हैं और चाहें तो छोटे छोटे पीसेस करके भी इसकी हम लोग तैयारी करके इसमें डाल सकते हैं। ये हमारा वो पनीर है जो फड़ा हुआ है, इसको हम लोग इस बीच में छान के इसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसको अच्छे से चलाते रहना है जिससे कि कोई भी लंप फॉर्मेशन इसमें नहीं हो, एक साथ सब चीज़ों में मिल जाए। हमारा मसाला देखिए अब अच्छे से गाढ़ा हो गया है, पानी इसमें जो है अच्छे से सोख लिया है। अब हम पहले से या तो आप मार्केट से क्रीम ला के इसमें डाल सकते हैं और नहीं तो आप घर की ताज़ी मलाई ले सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्सी में फेंट के उसको जो है आप तैयारी करके इसमें मिला सकते हैं, उससे हल्का सा इसमें क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा। दो मिनट ये इसमें भुन जाए, फिर आपने किसी भी कंपनी की कस्तूरी मेथी ले ली और आप इसमें अच्छे से उसको स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये मेरा घर का बना हुआ मसाला है, अदरवाइज आप कोई भी गरम मसाला मार्केट से लाके उसको आप इसमें डाल सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। अब आपका ये तैयार है, बस आपको इसमें पनीर डालना है और इसको सर्व करना है। ये आप मसाला तैयार करके भी रख सकते हैं, ये मसाला आपको एक हफ्ते तक आराम से चल जाएगा और आप डिफरेंट डिफरेंट इसमें चीज़ें डाल के इस इंग्रेडिएंट्स में इसको जो है आप खाने के लिए रेडी टू सर्व बना सकते हैं। ये मैंने इसमें पनीर डाल दिया है, थोड़ा सा पनीर इसमें मसाले को सूखेगा, उसके बाद दिस इज़ टू रेडी टू सर्व डिश, दिस इज़ पनीर 2 प्याजी। आपकी पनीर प्याजी खाने के लिए तैयार। आप इसको तुरंत बस मेहमानों को या तो तंदूरी रोटी गरम गरम फुलके या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं, और अगर आपके पास घर में कुलचा हो तो आप कुलचे के साथ भी इसको मेहमानों को खाने के लिए दे सकते हैं और वो खाने के लिए उनके पास एक अच्छा सा व्यंजन तैयार हो गया है। आपको जो है 1 किलो पनीर अगर आप दूध फाड़ती हैं तो ये आपके 4 मेहमानों के लिए अच्छे से खाना हो जाएगा। इसके लिए आपको पाव भर से थोड़ा बेसी प्याज चाहिए होगा, पाव भर से बेसी टमाटर चाहिए होगा, इसमें 3-4 आपको मिर्ची चाहिए होगी, मिर्ची का कंटेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है वो तीखापन लाने के लिए, और अच्छी मात्रा में आपको लहसुन चाहिए। उसके बाद वही घर का दूध लेके आप उसको फाड़ लीजिए और 1 किलो के आसपास आप पनीर की तैयारी कर लीजिए। दूध फाड़ना मैंने भी आपको बताया है, आप विनेगर ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, और नहीं तो पनीर का पानी आप स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। आप सारे जितना भी प्याज लहसुन आदि भी इसमें आप डाल सकते हैं, हरा मिर्चा, इन सबको जो है आप पहले भून लीजिए बिना तेल के, और भूनने के बाद आप इसको पीस लीजिए। उसके बाद आप देसी घी या कड़वा तेल, जो भी मीडियम ऑफ ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं, उसको आप लेके आप कढ़ाई में डालेंगे और आप उसके बाद जीरा मिर्चा हल्दी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से भून लीजिएगा। भूनने के बाद आपने उसमें जो भी हमारा मसाला, जो ये प्याज और टमाटर का जो पेस्ट तैयार था, हरा मिर्चा का और लहसुन का, उसको आप उसमें डाल के भून लीजिएगा। भूनने के बाद जब आपका भून जाता है, पेस्ट पूरा अच्छे से उसमें वो लाल रंगत छोड़ देता है, तब आप उसमें क्रीम का पेस्ट
आप मार्केट से चाहें तो अमूल क्रीम भी ला सकते हैं, या आप घर में जो है फ्रेशली जो आपके पास मलाई निकलती है उस क्रीम को भी आप फेंट के इसमें डाल सकते हैं। आपने डालने के बाद उसको जब मसाला तैयार हो गया तो कस्तूरी मेथी और घर का पिसा हुआ गर्म मसाला, या आप मार्केट के भी किसी फ्लेवर का मसाला ला के इसमें डाल के आपका पनीर प्याजी मेहमानों के खाने के लिए तैयार है। आप खुद भी खाएं और मेहमानों को भी सर्व करें पनीर प्याजी, आइदर विद रोटी मतलब फुलका या फिर तंदूरी रोटी, और नहीं तो अगर आप गरम गरम नान घर में बना सकें या कुलचा मार्केट से ला सकें तो आपका पनीर प्याजी खाने के लिए तैयार है। थैंक यू।